हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। माय नेम इज अमित कुमार। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम समझेंगे एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम जो कि इम्पोर्टेंट है लॉ के पर्पस के लिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्लाइड पर, समझते हैं आज की मैक्सिम को डिटेल में। हमारी आज की मैक्सिम है एड एचओ सी। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? इस वाक्य का अर्थ होता है केवल इस उद्देश्य के लिए। यह जो मैक्सिम है एड एच ओ सी, इसका किसी उद्देश्य के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि लैटिन में इसकी शब्दावली अनुवाद क्या है? इसके लिए है। दिस मतलब कि दिस फ्रेज मीन्स फॉर दिस पर्पज ओनली, यह किसी पर्पज के लिए ही यूज की जाती है जो एड एच ओ सी मैक्सिम है। इट लिटरली ट्रांसलेटेड फ्रॉम द लैटिन, यह लैटिन से ट्रांसलेट की गई है। यह लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है टू दिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस प्रकार कुछ विशेष कार्यों के संचालन के लिए, विशेष प्रस्तावों के लिए तदर्थ, हम एड एच ओ सी को तदर्थ कहते हैं हिंदी में, समिति का गठन किया गया है। दिस एड एच ओ सी कमिटी आर फॉर्म फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, मतलब किसी विशेष पर्पज के लिए एड एच ओ सी कमिटी का गठन किया गया है। टू कंडक्ट सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन, किसी स्पेसिफिक मतलब विशेष फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? यह तब बनाई जाती है जब सिद्धांत समिति समय की कमी या किसी अन्य कारणों से उन कार्यों के संचालन करने में असमर्थ होती है। दिस आर क्रिएटेड व्हेन द प्रिंसिपल कमिटी इज अनेबल टू कंडक्ट दोज फंक्शन ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइमिंग और एनी अदर रीजन। जब जो प्रिंसिपल कमिटी जो कार्य कर रही है वो उसे कार्य कर नहीं कर पाती अच्छी तरीके से, तो उस जगह पर हम एड एच ओ सी कमिटी का गठन करते हैं। यह जो होती है यह टाइम की कमी के कारण अगर वो ऐसा नहीं कर पाती या किसी भी अनदर रीजन के कारण, तब हम एड एच ओ सी कमिटी का गठन करते हैं। तदर्थ के समय उद्यान में एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई समिति या आयोग शामिल होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल फॉर एड एच ओ सी इंक्लूडेड कमिटी और कमीशन क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, मतलब किसी विशेष पर्पज के लिए हम इस तरह की कमिटी और कमीशन का क्रिएशन करते हैं। एड एच ओ सी के अंदर इंक्लूड होती है कमिटी और कमीशंस। नेक्स्ट पॉइंट है, यह समिति आयोग तब बनाई जाती है जब किसी मुद्दे पर विचार की आवश्यकता होती है या कोई अन्य समिति या आयोग उस मुद्दे को अपने दायरे में नहीं ले पाती। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अस्थायी आधार पर इस तदेय समिति को स्थापित किया गया है। जो ये एड एच ओ सी कमिटी है यह गठित की गई है टेम्परेरी बेसिस पर। एन एड एच ओ सी कमिटी इज सेटअप ऑन टेम्परेरी बेसिस। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी ही मैं मिलूंगा नई वीडियो में नई मैक्सिम के साथ।